नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब आज का खबरदार, जिसमें हम खबरदार के लेंस से खबरें दिखाएंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। आज के खबरदार की शुरुआत हम एक विशेष रिपोर्ट से करने जा रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि भारत की सेना में शामिल होने वाले नेपाली गोरखाओं को लेकर चीन की चिंता बढ़ गई है। इसीलिए हमारा पहला विश्लेषण है कि क्या आयोग गोरखाली के जयघोष से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग डर गए हैं। चीन इस बात का पता लगा रहा है कि नेपाली गोरखा भारत की सेना में शामिल क्यों होते हैं। वैसे चीन को ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मिले उसके पहले हम आज ही बता देने वाले हैं कि गोरखाओं के शौर्य का भारत से क्या नाता है। वहीं बड़ी खबर अगली ये है कि कल स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। नेपाल के रवैये से भारत नेपाल के रिश्तों में आए खटास के मद्देनजर इसे ओली का भारत से दोबारा मेल जोल बढ़ाने वाला कॉल माना जा रहा है। हम अपने विश्लेषण में बताने जा रहे हैं कि मोदी को ओली के फोन कॉल का आखिर क्या है राज। वही खबरदार में दिल्ली में पकड़े गए चीनी हवाला कारोबारी चार्ली पेंग पर बढ़ी आगे की पड़ताल भी दिखाएंगे। उसके चीनी खुफिया एजेंट होने का शक गहरा गया है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन भी क्या भारत के मामले में ट्रंप की नीति पर हैं। बिडेन ने कहा है कि भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें वो भारत का साथ देंगे। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के बाद बिडेन लगातार अमेरिकी भारतीयों को लुभाने वाली तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज की चिंताजनक खबर, कोरोना ने आज एक और चिंताजनक खबर देश के सामने रख दी। कोरोना से पीड़ित यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान की आज मौत हो गई है। चेतन चौहान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं। चेतन चौहान योगी सरकार के ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिनकी कोरोना से जान गई है। उधर सुशांत मामले की जांच कौन करेगा, कैसे करेगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। इन सब के बीच सुशांत के पारिवारिक एल्बम से आई वीडियो के जरिए गवाही दी जा रही है कि सुशांत अपने परिवार में अपनी बहनों के बीच बेहद खुश थे। ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत खबरदार की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन सिर्फ एलएसी पर साजिश नहीं रच रहा, बल्कि उसकी साजिश का दायरा कहीं ज्यादा है। एलएसी पर वो शांति की बात करता है और वहीं दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने की चालबाजी कम नहीं होती। नेपाल में उसके नए गेम प्लान दंग करने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि चीन नेपाल से आने वाले गोरखा जो भारत की सेना में शामिल होते हैं उसको लेकर परेशान हो गया है और साजिश रच रहा है। कैसे 200 साल पुराने गठजोड़ को तोड़े वो, इस रिपोर्ट में आप चीन की इसी नई साजिश का पर्दाफाश देखेंगे। वीरों से भी वीर होता है गोरखा। गोरखा ना तो डरता है, ना झुकता है और ना ही युद्ध भूमि में पलटता है। गोरखा या तो युद्ध भूमि में जीतता है या लड़ते लड़ते शहीद होता है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इसके लहू में वीरता घुली हुई है। रेजिमेंट के जवानों में जो नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भले ही नेपाल हो लेकिन कर्म भूमि हिंदुस्तान है। लेकिन चीन की आंखों में गोरखा रेजिमेंट के वीर नेपाली योद्धा पूरी तरह खटकने लगे हैं। चीन बहुत परेशान है। सूत्रों के मुताबिक पक्की खबर मिली है, चीन का काठमांडू में दूतावास और नेपाल में उसकी राजदूत हाओ यांग की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जवानों के शामिल होने का राज जानना चाहती हैं। हाओ यांग की ने एक चाइनीज एनजीओ चाइना स्टडी सेंटर को यह जिम्मा सौंपा है कि वो नेपाल में सर्वे करे और नेपाल के लोगों और भारतीय सेना के बीच इस अटूट रिश्ते की पड़ताल करे। सूत्रों के मुताबिक एनजीओ को दो जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है। पहली कि नेपाल के लोग भारतीय सेना का हिस्सा क्यों बनते हैं, और दूसरी ये कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के जवानों के शामिल होने से नेपाल पर क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। गोरखा रेजिमेंट और नेपाल के जवानों का संबंध कई दशकों पुराना है। गोरखा
भारतीय सेना की शान है और कई युद्धों में अदम्य साहस का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यही वजह है कि चीन परेशान है। जब भी गोरखास की बात हो तो फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ की वो बात याद आ जाती है। फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई इंसान कहे कि उसे मृत्यु से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा सैनिक है। चीन ये जानना चाहता है कि नेपाल के लोग अपनी सेना को छोड़कर भारत की सेना में क्यों शामिल होते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या इसके पीछे आर्थिक कारण है या फिर गौरवपूर्ण लंबा इतिहास और परंपरा है जिससे दोनों देश के लोग जुड़े हुए हैं। गोरखा रेजिमेंट की हिस्ट्री अगर इंडिया के साथ देखी जाए तो वो सन 1816 से शुरू होती है, जब एंग्लो नेपलीज वॉर हुई थी और ब्रिटिश जो थे वो नेपलीज के और गोरखाज की जो वेलर थी, जो शौर्य था, उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे। उसकी वजह से उन्होंने 1816 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए गोरखा बटालियंस की रेजिंग शुरू की थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट जब भारत आज़ाद हुआ, इनमें से 6 गोरखा बटालियंस जो है इंडियन आर्मी के पास आई। समझना मुश्किल नहीं कि चीन बड़ी साजिश रच रहा है और ये साजिश सिर्फ एलएसी तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में उसकी राजदूत हाओ यांग की सक्रिय है और काठमांडू में इसकी तैनाती का सबसे बड़ा मिशन भारत और नेपाल के सालों पुराने रिश्तों के बीच खटास पैदा करना है। चीन ये जानता है कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे बड़ी रेजिमेंटों में से एक है। करीब 60 से 80 हजार नेपाली गोरखा इस रेजिमेंट का हिस्सा है। हर साल नेपाल से करीब 1500 गोरखा सैनिक सेना में शामिल होते हैं। इनके शौर्य और वीरता की गाथा से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। 1962 की जंग हो या फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, हर मोर्चे पर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और यही वजह है कि चीन को ये गठजोड़ खटक रहा है। चीन के जो आजकल हरकतें हैं वो भारत के पड़ोसी देशों को किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ किसी न किसी तरह उन पड़ोसी देशों को कमजोर करने की भी आर्थिक तौर पर कोशिश कर रहा है। अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल का जो मैक्सिमम उनका जो रेमिटेंस के दौरान जो पैसा आता है वो उनका एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। भारत से 130,000 करीब पूर्व सैनिक नेपाल में है जिनको भारत से पेंशन मिलता है। चीन नेपाल को किसी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। काठमांडू में चीन की राजदूत हाओ यांग की नेपाल के प्रधानमंत्री की संकट मोचक बनी हुई है। चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाई और अब वो लगान वसूल रहा है, भारत के खिलाफ खाई खोद रहा है। भारत और नेपाल के गोरखा सैनिकों का सदियों पुराना संबंध है। मौजूदा दौर में चीनी सेना एक साजिश के तहत नेपाली गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करना चाहती है। नेपाली सैनिकों ने कई युद्धों में भारतीय सेना को अहम जीत दिलाई है और ऐसे में दोनों सेनाओं के बीच में दरार डालने की कोशिश मुश्किल ही नामुमकिन है। कैमरामैन रविकांत के साथ मंजित नेगी, दिल्ली आज तक। भारत, नेपाल और ब्रिटेन में गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा के संबंध में 1947 में समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश की सेना में नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति होती थी, लेकिन हाल में ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने इस समझौते पर सवाल उठाए थे। हालांकि भारत ने इसे ये कहते हुए नकार दिया कि नेपाल की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक बात नहीं की गई, लिहाजा इस पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी। दरअसल चीन की सरकार और सेना गोरखा रेजिमेंट को लेकर पड़ताल कर रही हैं। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर चीन की सेना को गोरखा रेजिमेंट में ही इतनी ज्यादा उत्सुकता क्यों है। दरअसल गलवान घाटी में मौजूदा तनाव के बाद भारतीय सेना के शौर्य का सामना करने वाले चीन सेना इसी जगह पर सालों पहले गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने उसे धूल चटा दी थी। 1962 में चीन के भारतीय इलाकों पर कब्जों के दावों के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई थीं। भारतीय गोरखा रेजिमेंट ने 4 जुलाई 1962 में घाटी में पहुंचने के लिए एक पोस्ट बनाई थी। इस पोस्ट ने समांगलिंग के एक चीनी पोस्ट के कम्युनिकेशन नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, काट दिया, जिसे चीन ने अपने ऊपर हमला बताया था। इसके बाद चीनी सैनिकों ने गोरखा पोस्ट को 100 गज की दूरी पर घेर लिया था।
चार महीने तक ये घेराबंदी जारी रही, लेकिन गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने चीन के सामने झुकने की जगह उसको कड़ी टक्कर देने की ठानी और लगातार वो यही करते रहे। वैसे आजादी के बाद हर युद्ध में गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजेय योद्धा बनते हैं। गोरखा सिपाही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फौजी माने जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में इनकी पूछ है। नेपाल के गोरखा भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश रॉयल आर्मी में भी गोरखा के योद्धा मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रुनेई में भी गोरखा के जवान और सिंगापुर में भी गोरखा कंटिंजेंट है। 1815 में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना के एक हिस्से के तौर पर इसका गठन किया था और प्रथम जॉर्ज पंचम ने गोरखा राइफल्स का इसे नाम दिया था। आजादी के बाद जब ब्रिटिश वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया। 10 रेजिमेंट में से 1, 3, 4, 5, 8 और नवी रेजिमेंट भारतीय सेना को मिली, जबकि 2, 6, 7 और 10वीं रेजिमेंट को ब्रिटिश अपने साथ ही रखना चाहते थे और लंदन लेकर जाना चाहते थे, लेकिन नेपाल के कई सैनिकों ने लंदन जाने से इनकार कर दिया और तब भारत को तुरंत 11वीं गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करनी पड़ी। गोरखा रेजिमेंट भारत की शान है। रेजिमेंट के जवानों पर सेना को फख्र है। वीरों के नीर गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने आजादी से पहले और आजादी के बाद अब तक रणभूमि में गजब का शौर्य दिखाया है। क्यों और कैसे गोरखा रेजिमेंट अलग है? क्यों चीन इससे खौफ खाता है? क्यों इसके युद्ध घोष से ही दुश्मनों के पांव उड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको गोरखा के शौर्य की एक झलक दिखाएंगे। यूं तो भारतीय सेना का हर रेजिमेंट, हर यूनिट, हर टुकड़ी, हर दस्ता दुनिया में सबसे निराला है, पर यह भी सच है कि हर एक रेजिमेंट की अपनी ऐसी खासियतें होती हैं जो दूसरी किसी में नहीं होती। और गोरखा रेजिमेंट की सबसे बड़ी खासियत है इनका आदर्श वाक्य, कायर हुनु भन्दा मर्नु राम्रो। मतलब गोरखा वो होता है जो मरने से नहीं डरता है। कायर होने से मरना अच्छा, यानी कि कभी भी डर कर पीछे हटना नहीं सीखा। गोरखा ने हर समय आगे बढ़ना सीखा है। वो दुश्मन को मारने से पहले अपने डर को मारते हैं, डरने से बेहतर मर जाने को मानते हैं। ये इनका संस्कार है, इनकी परंपरा है। इनकी ट्रेनिंग का पहला उद्देश्य होता है डर पर जीत हासिल करना। गोरखा ट्रेनिंग में ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है जहां दुश्मन सशस्त्र हो लेकिन वो खुद निहत्थे थे। बैक से अगर आप अटैक करते हो पहले कहां टारगेट करोगे? बैक साइड में। सबसे पहला आपका कौन सा? सबसे ऊपर बेस ऑफ द स्कल। दुश्मन के शरीर का एक एक प्रेशर पॉइंट, एक एक कमजोरी उन्हें समझाई जाती है। हथियार चलाने से पहले वो हाथ चलाना सीखते हैं, साथ ही अपने शरीर के नाजुक हिस्सों का बचाव भी सीखते हैं। कई ऐसे हालात हमें पेश आते हैं जहां पर कि हमारे जो हथियार, जो हमारे गोला बारूद जो खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे हालात में हमें दुश्मन के साथ बिना हथियार के भी लड़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हमें उन रिक्रूट्स को अनआर्म कम्बैट की लड़ाई पर भी ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि ऐसे मौके पर दुश्मन के साथ आसानी से वो लोहा ले सके और दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। रणभूमि में ये एक ऐसी क्षमता है जो बहुत काम आती है। इतिहास गवाह है कि उनसे जापान भी हारा है, जर्मनी भी हारा है, पाकिस्तान की तो बिसात ही क्या है। रणभूमि हो या आतंक के खिलाफ लड़ाई, सबसे कठिन ऑपरेशन के लिए इन्हें चुना जाता है। दुश्मन भी इनका मुरीद हो जाता है। ऐसी कुछ बात हिटलर ने कही थी कि उन्होंने हर कैंपेन में गोरखास की ब्रेवरी को, उनकी शौर्य को, उनकी करेज को देखा
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उनका कहना सत्य है अगर कहीं जगह कोटेशन दिया जाए कि काश मेरे पास गुरखा रेजिमेंट होती, या कहना कि मैं गुरखा रेजिमेंट होती मैं संसार पर विजय कर लेता, ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है कोई कहा नहीं जा सकता, पर उन्होंने गुरखा रेजिमेंट के, गुरखा बटालियंस की ट्रुप्स के शौर्य के बारे में प्रशंसा आवश्यक की थी। 18वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पांव पसारने में लगी हुई थी। इस कारण नेपाल से उसके टकराव की स्थिति बार बार बनती थी। नेपाल अपने गुरखा सैनिकों के साथ खुद भी विस्तार में लगा हुआ था। 1767 में अंग्रेजों ने अपने 2500 सैनिक उन्हें रोकने के लिए भेजे, लेकिन कठिन इलाका, बीमारियों और गुरखाओं से मुकाबले में सारे के सारे अंग्रेज अपनी जान गंवा बैठे। गुरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक युद्ध छिड़ा 1814 से लेकर 1816 के बीच। तत्कालीन उत्तराखंड के नालापानी में कैप्टन बाल भद्र कुंवर 600 लड़ाकों के साथ एक किले में मौजूद थे। किले को घेर कर खड़े थे 3500 अंग्रेजी सैनिक। उनके पास तोपे थी, बंदूकें थी, और गुरखाओं के पास अपनी हिम्मत। यही कोई 200 से अधिक सालों की बात है जब अंग्रेजों का सामना गुरखा सैनिकों से हुआ था। अंग्रेजों के पास आधुनिक वेपन्स और गुरखाओं के पास बहुत बुनियादी हथियार, मुट्ठी भर गुरखा और हजारों में अंग्रेज। लेकिन नाकों चने चबवा दिया था गुरखा सैनिकों ने। महीनों ये मुकाबला चलता रहा, पर अंग्रेज गुरखाओं को हरा ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार रसद खत्म होने पर गुरखाओं को बाहर आना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ हारे हुए योद्धाओं वाला सुलूक नहीं किया। वो गुरखाओं की वीरता को समझ चुके थे। उन्होंने सैनिकों से अंग्रेजी सेना में शामिल होने की पेशकश की, और यहीं से शुरुआत हो गई एक गौरवशाली रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास की। धीरे धीरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 10 गुरखा राइफल्स की स्थापना हुई। आजादी के बाद जब अंग्रेज वापस इंग्लैंड लौट रहे थे तो गुरखा रेजिमेंट का भी बंटवारा किया। पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं और नवी गुरखा राइफल्स हिंदुस्तान में रहे। दूसरी, छठी, सातवीं और दसवीं गुरखा राइफल्स को अंग्रेजों ने साथ ले जाने का फैसला किया, पर बहुत बड़ी संख्या में गुरखा जवानों ने इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया। वो भारतीय फौज में रहना चाहते थे। नतीजतन भारत को 11वीं गुरखा राइफल्स की स्थापना करनी पड़ी। इस बंटवारे के लिए भारत, इंग्लैंड और नेपाल के बीच बाकायदा एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया, ताकि गुरखा हितों को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें इसका खास ख्याल रखा गया कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। यही वजह है कि गुरखाओं के युद्ध घोष में आज भी महाकाली की वंदना शामिल है। गोरखा रेजिमेंट में आमतौर पर नेपाली गोरखा शामिल होते हैं, लेकिन इसी रेजिमेंट ने भारत को बड़े जनरल भी दिए हैं। मौजूदा सीडीएस जनरल बिपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी गोरखा रेजिमेंट से थे। इसके अलावा 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के नायक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इसी रेजिमेंट के थे। वैसे भारत और नेपाल के बीच सोमवार को एक अहम बैठक भी होने जा रही है। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय है और इसका भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई है। इसके पहले कल स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इस बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से कूटनीतिक भाषा में संबंधों पर अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन इस विशेष फोन कॉल का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी यह रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी को ओली के फोन कॉल का राज क्या है। पंद्रह अगस्त को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। ये फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब बीते कुछ हफ्तों में नेपाल की ओर से रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले फैसले हुए हैं, उकसावे वाले बयान आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली
बिगाड़ के बाद ये लीपापोती इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को भुलावे में रखकर अपना चीन प्रोजेक्ट जारी रख सके, या फिर वाकई उन्हें समझ में आ गया है कि जिस भारत से नेपाल का रोटी बेटी का नाता है उससे प्रेम का धागा चटकाकर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इन सवालों का सच तलाशें उससे पहले जान लीजिए कि पीएम ओली ने पीएम मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी तो कहा क्या। सूत्रों के मुताबिक ओली ने कहा कि इस संवाद को किसी की हार जीत और किसी के झुकने या किसी के अड़ने के रूप में नहीं लिया जाए। संबंधों में सुधार हो रहा है, दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है। इसके बाद भारत की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नेपाल के पीएम को टेलीफोन कॉल के लिए धन्यवाद दिया और भारत और नेपाल के सदियों पुराने और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। पीएम मोदी और पीएम केपी शर्मा ओली के बीच यह बातचीत सीमा विवाद शुरू होने के बाद पहली बार हुई। 8 मई को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। उस पर भारत ने कहा कि नेपाल ने अपनी सीमा का जो बनावटी क्षेत्र विस्तार किया है उसका कोई आधार नहीं। अब भारत के हिस्से को लेकर नेपाल ने जो नई राजनीति शुरू की है उस पर मोदी और ओली के बीच बातचीत हुई या नहीं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ओली ने जब पीएम मोदी से बात की तो इस बातचीत के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत बैठक होगी। इसमें द्विपक्षीय आर्थिक और विकास के प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। ये ओवरसाइट मैकेनिज्म 2016 में विकसित हुआ था। 17 अगस्त की बातचीत में भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी बातचीत करेंगे। जाहिर तौर पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के पीएम केपी शर्मा ओली को चीन का साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भले चाहिए हो, भले ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में मचे उथल पुथल में चीन ओली की मदद कर रहे हो, लेकिन ये भी तय है कि भारत नेपाल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है, उसका मददगार रहा है और उसे नजरअंदाज करना नेपाल के लिए आसान नहीं है। इस बीच नेपाल में चीन पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ 2 बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। नेपाली जमीन पर चीन का कब्जा होने की रिपोर्ट देने वाले नेपाली पत्रकार बलराम बनिया की संदिग्ध मौत पर नेपाल में हंगामा हुआ है। नेपाल के कांतिपुर डेली के असिस्टेंट एडिटर बलराम बनिया की मौत को लेकर नेपाल के पत्रकार संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उधर हिंदू बाहुल नेपाल में पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी गुस्सा है। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा था, काठमांडू में राष्ट्रीय एकता अभियान नाम का संगठन पाकिस्तानी मिशन के खिलाफ मार्च निकाल रहा था। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। नेपाल को बहकावे में डालकर दरअसल चीन इंटरनेशनल साजिश तो रच ही रहा है, मगर चीन की साजिश का जाल सरहद से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। इस बार चीनी साजिश का जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान करने वाला है और परेशान करने वाला भी। दरअसल जिस चीनी नागरिक चार्ली पैंग उर्फ लुओ सांग को गिरफ्तार किया गया था उसे पूछताछ के मुताबिक हवाला कारोबार के साथ साथ वो जासूसी भी कर रहा था। खासतौर पर वो दिल्ली में दलाई लामा के बारे में खबरें जुटा रहा था। चीन की चालबाजियां कितनी गहरी और उसकी साजिशें कितनी भयानक हैं, उसने कितने खतरनाक इरादे पाल रखे हैं, उसकी परत दर परत उधड़ रही। सिर्फ सरहद पर ही नहीं, चीन ने दिल्ली तक घुसपैठ कर रखी है और उसकी कारस्तानी का हर अध्याय उसका जासूस अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने खोल रहा है। देखिए, ये है चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग। दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त अवैध तरीके से पैसे के लेन देन के मामले में इस पर आरोप थे, मगर पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ है वो सन्न कर देने वाला है। चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि ये चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पेंग के निशाने पर तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा थे। चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पेंग 24 घंटे मजनू का टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को चार्ली पेंग
पैसे देता था। लामाओं को पैसे देकर चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लू सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉयज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लियो सांग को ये इन्फॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। दलाई लामा चीन की आंखों में हमेशा से खटकते रहे। जब से दलाई लामा को भारत ने शरण दी है तब से चीन ने भारत के खिलाफ ज्यादा गहरी साजिशें रचनी शुरू की थी और दलाई लामा के मसले पर चीन किसी भी हद तक जाने को हमेशा तैयार रहता है। और प्रिटेंड कर रहा था कि वो एक गुचा हुआ किस्म का टिबेटन है, लेकिन वास्तव में फर्दर इन्वेस्टिगेशन से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बिलोंग करता है, ट्रेंड स्पाई है और उसको हिंदुस्तान में दाखिल किया गया था दलाई लामा जी की इनर सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, ताकि दलाई लामा को या तो खत्म कर दिया जाए या उनको बड़े पैमाने पर इंजर किया जा सके। जासूसी का ये जाल बहुत तरीके से बुना गया है, इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर की लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनवाए, मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता रहा। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परते खुलने में अभी समय लगेगा, मगर इतना जरूर है कि चीन का मोहरा अब हवालात में अपने मुकद्दर को कोस रहा है और जांच एजेंसियां उसके काले कारनामों का भांडा फोड़ रही हैं। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डीकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि हवाला के इस गोरख धंधे में कई बड़ी चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। लुओ सांग और चार्ली पेंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक अकाउंट खोले। चार्ली पेंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर दिए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थीं। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसे आते थे और हवाला कारोबार के जरिए वो इधर से उधर होते थे। बड़ी बात ये भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वी चैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली की मदद करता था। अनेक बैंक काम कर रहे सैकड़ों बैंक एम्प्लॉयज अब इनकम टैक्स के रडार में है कि किस तरह उन्होंने मदद की है चार्ली पेंग की, जो कि चाइनीज किंग पिन बताया जाता है इस पूरे हवाला रैकेट का। मोडस अपरेंडा इसका लेकिन काफी सरल था। बड़ी चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट करती थी छोटे चाइनीज कंपनी के नाम पर और बोगस बिल बनाए जाते थे, लेकिन इसका पर्दाफाश अब अनेक आईटी सेल के साथ बाकी एजेंसियों ने भी किया है और जानने की कोशिश की है कि चाइनीज के अलावा इंडियन एजेंट्स इसमें कौन कौन शामिल है और किस वजह से उन्होंने ये पूरी मदद की है। ये पूरा हवाला कारोबार कितने करोड़ का है, आयकर विभाग इसकी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि दलाई लामा की जासूसी कराकर चीन कौन सी साजिश रच रहा था। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो। तो चीन की साजिशों का बुना हुआ जाल आपने देख लिया है। वहीं चीन के लिए अमेरिका की ओर से अब बयानों की बमबारी जारी है। जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वैसे वैसे अमेरिका की ओर से भारत के प्रति प्रेम और गहराता हुआ चला जा रहा है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन भारत की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं और चीन की जमकर लानत मलानत कर रहे हैं। I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. भारत से सरहद पर भिड़कर चीन की तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुम है, मगर सात समंदर पार अमेरिका ने मानो ठान लिया है कि वो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब तक तो सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके माथा थी चीन की पखिया उधेड़ते थे, मगर अब चीन के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन ने भी सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात की।
I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. If elected president, I'll continue to believe it and continue what I've long called for, including standing with India and confronting the threats it faces in its own region and along its borders. बिडेन के बयान का अर्थ समझिए। भारत के लिए इस वक्त सरहद पर चीन सबसे बड़ी चुनौती है और बिडेन बगैर नाम लिए इसी चुनौती का जिक्र कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने मिलकर अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव भी पास किया था जिसमें चीन की जमकर बखिया उधेड़ी गई थी। मतलब ये कि चीन में बहने वाली हवाओं का रुख भारत के पक्ष में है और चीन के खिलाफ। मगर ऐसा क्यों है इसे समझिए। कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में चीन के खिलाफ माहौल है। राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों के उम्मीदवार चीन के खिलाफ माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने के लिए भी चीन के खिलाफ बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में करीब 41 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी रहते हैं। इनमें से करीब 44% ऐसे हैं जो वोट डालने के लायक हैं, यानी करीब 15 लाख के आसपास भारतीय मूल के अमेरिकी वोटर 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डालेंगे। ये 15 लाख मतदाता अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा फेरबदल करने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार भारतीय मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। He has supported India as far as China is concerned and criticized and castigated China for infringing and intruding on India's territory in Ladakh on the border. So he has said all the positive things as far as relations are concerned. मतलब ये कि चीन की मुश्किलें अमेरिका की ओर से अभी और बढ़ेंगी। वैसे भी चीन के खिलाफ अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बगावती सुर छेड़े हुए। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. चीन के सामने वैसे भी कोई रास्ता नहीं बचा है। सरहद पर वो भारत से पस्त पड़ा है। कूटनीति स्तर पर उसकी बखिया पहले से ही उधेड़ी जा चुकी है और इंटरनेशनल बिरादरी उसके खिलाफ है। अमेरिका के रहनुमाओं को भी मालूम है कि अगर अमेरिका में चुनाव जीतना है तो भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में चीन के खिलाफ अमेरिका के विद्रोही तेवर अभी और सख्त होंगे। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, चीन के हर चाल हर जगह से नाकाम हो रही है। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार में मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से आज मौत हो गई। आज शाम 4:30 बजे उनकी हालत बिगड़ गई थी और उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें 7 अगस्त को मेदांता में शिफ्ट किया गया था। चेतन चौहान की उम्र 73 साल की थी। चेतन चौहान योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी मौत कोरोना से हुई है। निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है, चेतन चौहान ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। बीजेपी को मजबूत करने में उनका प्रभावी योगदान रहा है। उनके निधन से दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे, वह सदैव यानी अविस्मरणीय रहेंगे। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उधर पिछले 15 दिनों के अंदर यूपी सरकार के 2 मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले दिनों यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी का भी निधन हो गया था।
कमला रानी वरुण का 2 अगस्त को निधन हुआ था और अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे कि एक और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की भी कोरोना के कारण मौत हो गई है। और वहीं बीते 24 घंटों में भारत में 63,489 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद परेशानी की खबर लाते हैं। भारत में कुल केस 26 लाख से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि देश भर में इस संक्रमण के 6,68,220 सक्रिय मामले हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। भारत में अभी 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। भारत के कुल एक्टिव कोरोना मामलों में से 2/3 केस 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं। देश के कुल एक्टिव मामलों में 1/4 अकेले महाराष्ट्र से हैं। वहीं देश के 664 जिलों के 8 अगस्त तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो 32% जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 66% जिले ऑरेंज जोन में हैं। यहां 1 से 499 कोरोना एक्टिव केस हैं, जबकि ग्रीन जोन वाले जिले वो हैं जहां 1 भी कोरोना के केस नहीं है। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों की संख्या 3 महीनों में 192 से बढ़कर 214 हो गई है। तो ये खबर हमने आपको दी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, लेकिन अच्छी खबर इन सबके बीच यही है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात सुशांत सिंह राजपूत की। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जांच को लेकर मामला अब भी अटका हुआ है। जांच सीबीआई करे या नहीं, और अगर करे तो उसका क्षेत्राधिकार क्या हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। इन सबके बीच सुशांत के पारिवारिक एल्बम से आज एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो चारों बहनों के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर यह दावा हो रहा है कि परिवार से उनकी दूरी का रिया चक्रवर्ती का दावा पूरी तरह से बेदम है, निराधार है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की तलाश में अब उसकी जिंदगी के बीते हुए पन्ने पलटे जा रहे हैं। ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी चारों बहनों प्रियंका, मीतू, रानी और श्वेता के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो में बातचीत 2016 में आई सुशांत की फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के इर्द गिर्द घूम रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म के हिट होने के बाद सुशांत अपनी बहन रानी के घर आए थे, बाकी तीनों बहनें भी जुटी थी और ये वीडियो तभी का है। अरे सुशांत का है। ये बीते कुछ दिनों में सुशांत के ऐसे कई वीडियोस आए हैं जिनमें वो अपने परिवार के साथ राजी खुशी दिख रहे हैं, और इन वीडियोस के आधार पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का ये दावा बेदम है, जिसमें कहा गया था कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे और अपने परिवार से दूर हो चले थे। इस बीच सुशांत की वकील रह चुकी प्रियंका खेमानी ने भी आज तक से बातचीत में कहा कि सुशांत खुश रहने वाले इंसान थे और उनके पास फिल्मों की भी कमी नहीं थी। हमारे पास काम की कोई कमी थी, इनफैक्ट ऑफर्स काफी सारे थे, काफी आते थे, नरेशंस हुआ करते थे। आई थिंक राइट अप टू द लास्ट मोमेंट हमने आई नो दैट देयर वाज अ नरेशन। सुशांत का ऐसा कहना था कि यू नो आई मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। सवाल ये कि सुशांत की खुशियों को क्या किसी का ग्रहण लग गया था,
बहरहाल अब सुशांत की मौत का सच कौन और कैसे तलाशेगा, इस बात पर अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट को लगाना है। बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन मामला कोर्ट में है, जहां रिया चक्रवर्ती की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई जांच हो भी तो उसका क्षेत्राधिकार मुंबई में हो, न कि पटना में। इस बीच सुशांत केस में राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हमने भी बांध ली है। जब तक दोषी को सजा नहीं होती तब तक हमले करता रहूंगा। सुशांत के पिता के पक्ष की ओर से मुंबई में हुई पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुंबई प्रोब की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करेगी कि क्या उसमें कोई कमी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमी पाई तो वो मुंबई पुलिस को प्रताड़ भी सकती है, डांट लगा सकती है, लेकिन अभी ये मामला केवल सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। हम में से